शादी का मंडप हो या रेड कारपेट की जर्नी, अगर आपको दिल में बसी हर ख्वाहिश है पूरी करनी तो आज ही आइए अनिजा मॉल पर, क्योंकि यहाँ है ब्राइडल लहंगा, ब्राइडल साड़ी, पार्टी वेयर गाउन, एंगेजमेंट ड्रेसेस का लेटेस्ट कलेक्शन के लिए अनिजा मॉल, अपोजिट गांधी मार्केट, नियर ICICI बैंक, मोर बाजार, लश्कर, ग्वालियर। जय बसैया वाली माता, जय पटिया वाले बाबा, और जय करे धाम, और जय बालाजी, जय विंध्यवासिनी, बोलो हारे के सहारे की जय। अनेजा मॉल और डैन और GTPL और ग्वालियर मेला महोत्सव की प्रस्तुति नवदुर्गा स्पेशल प्रोग्राम में मैं विवेक शर्मा सभी ग्वालियर वासियों का तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज पहला दिन है नवदुर्गा का, और सभी ग्वालियर वासियों को नववर्ष की, हिंदू नववर्ष की सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं ग्वालियर मेला महोत्सव की पूरी टीम की ओर से। और दोस्तों आज सफ़र चालू करते हैं, यानी कि 9 दिन 9 एपिसोड आप सभी ग्वालियर वासियों के लिए लेकर आ रहा हूँ आप ही के अपने वाले प्रोग्राम ग्वालियर मेला महोत्सव फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज पर। तो आज हम अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ करे धाम रोड के ठीक सामने बसैया वाली माता का ये रोड जाता है, तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं बसैया वाली माता का। और मेरे साथ में आनंद भैया यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे सहयोगी और एंकर। आनंद भैया, इसमें क्या लेकर आए हो अनेजा मॉल? इसमें क्या है, जो भी है सब परारी सामान है, आइटम है, जो हम जितने भी श्रद्धालु लोग हैं उनको वितरित करेंगे, उनको वितरित किया जाएगा। हाँ, अनेजा वालों की तरफ से। अनेजा मॉल ग्वालियर, नंबर वन मॉल अनेजा मॉल ग्वालियर की ओर से, रजत भैया जी की ओर से हम जितने भी श्रद्धालु मिलेंगे माता के उनको ये प्रसादी वितरित करेंगे। और हमारे कार्यक्रम के विशेष सहयोगी हैं जिला पंचायत सदस्य और वन समिति अध्यक्ष शिवराज यादव जी, और विशेष सहयोग प्राप्त है हमारा, विशेष सहयोग कर रहे हैं हमारे श्री अलवेल सिंह घुरैया जी और मुकेश धाकड़ जी भैया, तो और सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर और एलिस व्हीकल जितेंद्र पटेल जी की ओर से सभी के लिए गिफ्ट है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं माँ बसैया वाली का नाम लेकर और बसैया वाली माता की यात्रा। बोलो बसैया वाली माता की। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधे बसैया वाली मैया के धाम पर, और शुरुआत करते हैं माँ बसैया धाम की यात्रा की। करे बाबा मंदिर के, यानी कि करे बाबा द्वार के ठीक सामने, यानी कि मुरैना वाली रोड के ठीक सामने बसैया वाली माता का ये रोड जाता है, और यहाँ से शुरुआत करते हैं इस यात्रा की। और चलिए आपको दर्शन कराते हैं माँ बसैया वाली मैया की। ये गाड़ी से शुरुआत कर चुके हैं, बोलो बसैया वाली मैया की। और ये रास्ता जाता है सीधे बसैया वाली मैया के धाम पर। और मेरे साथ में कैमरामैन की भूमिका निभा रहे हैं लवली माहौर जी, निम्बाजी खो वाले, और हमारे आनंद भाई साहब, नंदन मरैया जी, अनुराग झा, और मेला महोत्सव की पूरी टीम आज बसैया धाम पर जा रही है। और आप सभी ग्वालियर वासियों को 9 दिन 9 एपिसोड चंबल संभाग के सभी देवी मंदिर के दर्शन हम कराएंगे, और सभी देवी मंदिर के दर्शन आप करेंगे ग्वालियर मेला महोत्सव यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और डैन और GTPL नेटवर्क पर। ये कार्यक्रम आप रात 8 बजे से देख सकते हैं, और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और 9 दिन 9 एपिसोड आप सभी ग्वालियर वासियों के लिए, चंबल संभाग वासियों के लिए। और यात्रा शुरू हो चुकी है और सीधे हम जा रहे हैं बसैया वाली मैया के धाम पर, मुरैना जिले की मैया बसैया धाम पर। और दोस्तों सफ़र चालू हो चुका है, और बसैया वाली माता के मंदिर से पहले माँ कुंती मैया का जन्म स्थान पड़ता है कुंतलपुर, और कुंतलपुर का ये प्रसिद्ध मंदिर माँ हरिसिद्धि देवी का ये मंदिर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर,
माँ हरिसिद्धि देवी का ये मंदिर। चलिए आपको माँ हरिसिद्धि देवी के दर्शन कराते हैं और फिर जहाँ से हम यात्रा शुरू करते हैं और यहाँ से सीधे हम आगे के लिए बढ़ेंगे बसैया वाली माता के मंदिर तक। तो चलिए यहाँ से सीधे चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं मैया के। और हमारे साथ में माता जी भी यहाँ मौजूद है। माता जी दर्शन कर लिए माता के? बोल दे। कर लिए। तो क्या मांगा है मैया से? मैया तेनो ही मांगी भैया, खुशी चाहिए, राजी खुशी बनी रहे। एक आपके लिए है अनेजा मॉल की ओर से, एक आपके लिए माता का ये फरारी प्रसाद अनेजा मॉल ग्वालियर की ओर से। और आप लोग भी दर्शन कराए माता के? ग्वालियर से। आप लोग ग्वालियर से आए? 13 बटालियन से जी सब लोग। 13 बटालियन से आए? अच्छा, तो आपने माता के दर्शन कर लिए? मैया की जय। एक आपके लिए अनेजा मॉल ग्वालियर की ओर से, और यहाँ पे बहुत अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं, अगर आप कभी भी जाएं तो वहाँ पे खरीदारी भी कर सकते हैं अनेजा मॉल की ओर से। चलिए आपको दर्शन कराते हैं हरि सिद्धि देवी मंदिर के। शादी का मंडप हो या रेड कारपेट की जर्नी, अगर आपको दिल में बसी हर ख्वाहिश है पूरी करनी तो आज ही आइए अनेजा मॉल पर, क्योंकि यहाँ है ब्राइडल लहंगा, ब्राइडल साड़ी, पार्टी वेयर गाउन, एंगेजमेंट ड्रेसेस का लेटेस्ट कलेक्शन। के लिए अनेजा मॉल, अपोजिट गांधी मार्केट, नियर ICICI बैंक, मोर बाजार, लश्कर, ग्वालियर। वक्त मौजूद है हम मेला महोत्सव डैन मेला महोत्सव की टीम रायसा कलेक्शन DD मॉल में। लोअर ग्राउंड फ्लोर पर है रायसा कलेक्शन। यहाँ पर आपको वैवाहिक फंक्शन या पार्टी, अगर है आपके घर में कोई वैवाहिक फंक्शन या पार्टी या किटी पार्टी या फिर बर्थडे पार्टी, और आप पहनना चाहते हैं सबसे हटकर और सबसे अलग ड्रेस, तो यहाँ पर ग्वालियर का एकमात्र स्थान यानी कि रायसा कलेक्शन पर आपको मिलेंगे बेहतरीन ड्रेसेस। आप देख सकते हैं ये शानदार सूट, यहाँ पर सूट, क्रॉप टॉप, और साथ में यहाँ पर आपको मिलेंगे कई सारे डिजाइन और कलर में यहाँ पर ड्रेसेस अवेलेबल हैं। और साथ में यहाँ पर लहंगा, और साथ में आपको मिलेगा ये नायरा कट का ये ड्रेस देख रहे हैं आप, ये गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए, और ग्वालियर की मेरी जितनी भी बहनें प्रोग्राम देख रही हैं उनके लिए यहाँ पर शानदार कलर डिजाइन में यहाँ पर आपको ड्रेसेस मिलेंगी। और ये पार्टी वेयर ड्रेस हैं, यानी कि आपके भैया की शादी है या बहन की शादी है या फिर फुप्पी के लड़के की शादी है, यानी कि आप दिखेंगे पार्टी में सबसे अलग और सबसे हट के। यहाँ पर सभी ड्रेसेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, क्रॉप टॉप के साथ में साइड लहंगे भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, और ब्राइड के लहंगे भी यहाँ पर अवेलेबल हैं रायसा कलेक्शन DD मॉल में। हाँ, DD मॉल में लोअर ग्राउंड फ्लोर पर यहाँ पर मौजूद एक और फैमिली यहाँ पर मौजूद है जो माँ हरिसिद्धि देवी के दर्शन करने आए हैं, और यहाँ से सीधे आप बसैया वाली माता पे जाओगे करके आए? अच्छा, माता के दर्शन कराए आप बसैया वाली माता के? तो आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? ग्वालियर से। ग्वालियर में किस जगह से? गोले के मंदिर से। ग्वालियर में भी आप देख सकते हैं डैन केबल TV पे और YouTube पे भी। तो आप माता का कोई भजन हो जाए, क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। मोलिया में नया पेना पारा आया छोड़ दिया मैया के, जब से नाम लिया मैंने अपना पराया छोड़ दिया, बागों में जा
अतिये कवा अरे माली से पूछती बा अरवार बागो में जातीये कवा अरे माली से पूछती बा फूल बा में चेपी यो तुम मैया मैंने अपना पराया छोड़ दिया फूलवा में चिपी यो तुम मैया मैंने अपना पराया छोड़ दिया मैया तेरा जब से नाम लिया मैंने अपना पराया जय। एक आपके लिए अनेजा मॉल ग्वालियर की ओर से, जो बाड़े पर महाराज बाड़े पर स्थित है अनेजा मॉल, और आप अगर शॉपिंग करने जाते तो आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर ग्वालियर मेला महोत्सव का नाम लेते हैं। एक आपके लिए आप शिवराज सिंह शिवराज यादव जी की ओर से, जिला पंचायत सदस्य और वन समिति अध्यक्ष जी की ओर से, और एक आपके लिए अलवेल सिंह घुरैया जी की ओर से, एक आपके लिए माकाजी प्रसाद। चलिए दोस्तों, अब आपको दर्शन कराते हैं हरे सिद्धि देवी मंदिर के, और यहाँ पर कुंतलपुर माँ कुंती मैया का जन्म स्थान कुंतलपुर और हरे सिद्धि देवी मंदिर के दर्शन आपको करा रहे हैं, और यहाँ से सीधे आपको लेकर चलते हैं हरे सिद्धि देवी मंदिर के दर्शन, जो आप टीवी स्क्रीन पर कर रहे हैं। अगर आपके मन में जो भी मनोकामना है आप और भोलेनाथ जी के दर्शन जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर कर रहे हैं, और चलिए आपको दर्शन कराता हूँ हरी सिद्धि देवी के। बोलो हरी सिद्धि मैया की जय। और आप दर्शन कर रहे हैं हरी सिद्धि देवी कुंतलपुर में स्थित है हरी सिद्धि देवी मैया का ये मंदिर, और आप दर्शन कर रहे हैं। चलिए आपकी बात कराता हूँ पंडित जी से, और मेरे साथ में पंडित जी यहाँ पर मौजूद हैं। पंडित जी क्या नाम है आपका? जय मई की, कमल किशोर शर्मा। कमल किशोर शर्मा जी जी। पंडित जी, माँ की स्थापना यहाँ पर कब हुई हरी सिद्धि देवी? ऐसा बताते हैं कि जब महाभारत हुआ था तब कृष्ण भगवान ने बोला कि हे अर्जुन, आपकी विजय कौन कराएगा? अर्जुन से बोला कि हे अर्जुन, आपकी विजय कौन कराएगा? किसी देवी देवताओं का निमंत्रण वगैरह दोगे अथवा नहीं? कि हे कृष्ण, आप जगत पिता हो, आप जाने, आप जैसा मुझे आदेश दोगे मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। तो बताते हैं कि नगर कोट में जाके स्तुति की है मैया की। जब पांडवों ने माँ की स्तुति की है तो मैया मुखारबिंद से नहीं बोली है। जब स्वयं भगवान ने स्तुति की है तो आकाशवाणी हुई है कि आप तो जगत पिता हो, आप क्या चाहते हो? कि पांडवों की विजय, कि तथास्तु, आप जहाँ मुझे याद करोगे मैं वहीं आपको दर्शन दूँगी, आप पीछे मुड़ के मन देखना। तो ऐसा बताते हैं कि वहाँ से चले हैं तो कुंतलपुर में आके रात्रकालीन हो गई है, तो यहाँ पर भोजन विश्राम किया है, और विश्राम करने के बाद ऐसा अर्जुन को महसूस हुआ है कि मैया साथ में नहीं आई। तो भगवान से बोले कि प्रभु, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैया साथ नहीं आई। कि कौन कहता है मैया साथ नहीं आई? पीछे मुड़ के देखो। जब पीछे मुड़ के देखा है तो ज़मीन फाड़ के यहीं प्रकट हो गई है, हाँ, कुंतलपुर में यहीं पर ज़मीन फाड़ के प्रकट हुई है कि अर्जुन, आपने निमंत्रण कुरुक्षेत्र का दिया था, ना कि कुंतलपुर का। आपने मुझे यहाँ याद किया, मैं आपकी यहीं से विजय कराऊंगी। तो ऐसा भी बताते हैं कि ज़्यादातर देवियों के मुख पूर्व साइड में होते हैं, इनका मुख उत्तर साइड में कुरुक्षेत्र के लिए, कुरुक्षेत्र की तरफ है। तो मैया ने यहीं से विजय कराई है पांडवों द्वारा। यहीं पर एक रात का बना हुआ मंदिर है, यहीं पर अर्जुन के हाथ की प्रतिष्ठा है। अर्जुन जी द्वापर, हाँ, द्वापर युग में महाभारत से पहले, तो ये थे मेरे साथ में पंडित जी शर्मा जी। और चलिए दोस्तों, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और लेकर चलता हूँ आपको बसैया धाम पर, और हरी सिद्धि देवी मंदिर के दर्शन आप कर रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और जो आपकी मनोकामना है वो आप मांग लीजिए घर बैठकर। हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं वो जो ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप भी दर्शन करना चाहते हैं तो सीधे बसैया वाले धाम के लिए आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो पहले पड़ेगा आपको कुंतलपुर। कुंतलपुर कुंती मैया का जन्म स्थान,
जन्म स्थान भी है ये कुंती मैया जी का? जन्म स्थान नहीं कह सकते, लालन पालन हुआ है यहाँ। लालन पालन हुआ है, गोदनामा आई है। गोदनामा आई भाई, मथुरा की सूर्यसेन की बेटी थी। यहाँ पर राजा कुंतभोज थे, वो दोनों साधु भाई थी, तो उनको इनके कुंतभोज के संतान ना होने के कारण उनको गोदनामा लिया था। गोदनामा लिया था वहाँ पे, यथा नाम था कुंती का। यहाँ पर उनको गोदनामा लिया तो नामकरण संस्कार द्वारा हुआ, गांव का नाम कुंतलपुर, राजा का नाम कुंतभोज, उसी के आधार पर उनका नाम प्रथा को बदल के कुंती रखा गया। कुंती रखा गया जी सकते हैं। यानी कि आप जब भी बसैया वाली माता के मंदिर आप जाएंगे तो रास्ते में ही आपको कुंतलपुर में ये मंदिर मिल जाएगा, माँ हरिसिद्धि देवी का।